लोकसभा चुनाव के दूसरे राउंड में यूपी के गाजियाबाद सीट यानी कि आज जो है सीट पर वोट डाले जाने हैं। ऐसे में मतदान की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस सीट पर आज 14 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। मुख्य मुकाबला बीजेपी के अतुल गर्ग, कांग्रेस के डॉली शर्मा और बहुजन समाज पार्टी के नंद किशोर पुंडीर के बीच माना जा रहा है। गाजियाबाद लोकसभा सीट पर दूसरे फेज में आज मतदान के लिए पूरी तैयारी कर ली गई। पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्र पर पहुंच चुकी हैं। वोटिंग के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए पुलिस और पीएसी के अलावा बीएसएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है। इस सीट पर 841 मतदान केंद्र और 3,197 बूथ बनाए गए हैं। इनमें संवेदनशील सीटों की संख्या 439 है। इस बार गाजियाबाद सीट में 29,38,845 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 16,22,869 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 13,15,872। चुनावी जंग की बात करें तो इस सीट से बीजेपी ने अतुल गर्ग को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने डॉली शर्मा को इस सीट से मैदान में उतारा है। वहीं बीएसपी ने मुजफ्फरनगर के नंद किशोर पुंडीर पर दाव लगाया है। हालांकि इस सीट पर 14 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी के अतुल गर्ग, कांग्रेस से डॉली शर्मा और बहुजन समाज पार्टी के नंद किशोर पुंडीर के बीच माना जा रहा है। हालांकि बढ़ते हुए तापमान को देखते हुए मतदाताओं के साथ उम्मीदवारों की भी धड़कनें बढ़ी हुई है, लिहाजा चुनाव आयोग ने पहले फेज में कम हुए मतदान से सबक लिया है और वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने पर पूरा जोर लगाया है। भारत एक्सप्रेस भी मतदाताओं से अपील करता है कि बढ़ चढ़ कर मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना योगदान दें। भारत एक्सप्रेस के लिए गाजियाबाद से सोनू खान की रिपोर्ट।